नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोयोटा ग्लांजा की। जैसे कि आप सबको पता है कि टोयोटा ग्लांजा 6 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उसके टॉप वेरिएंट की, जो कि है वी वेरिएंट। इस गाड़ी में आपको ज़्यादा वेरियंट्स नहीं मिलते, सिर्फ दो ही वेरियंट्स मिलते हैं। बेस वेरियंट है जी वेरियंट और टॉप वेरियंट है वी वेरियंट। अगर आपने जी वेरियंट वाली वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक आ रहा होगा, और ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सभी फीचर्स को एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और अब हम बात करते हैं वी वेरियंट की। अगर शॉर्ट में एक्सटर्नल चेंजेस की बात करी जाए तो आपको इसमें नए हेडलैम्प्स मिलते हैं, फ्रंट में क्रोम ग्रिल मिलता है, रियर में थोड़ी सी चेंज्ड LED लाइट्स मिलती हैं, और स्टेयरिंग व्हील और फ्रंट क्रोम ग्रिल के बीच में टोयोटा की बैजिंग मिलती है। ये तो रहा सिर्फ एक्सटीरियर का फ़र्क। अब बात करते हैं कि टोयोटा ने ऑफिशियली क्या क्या रिवील कर दिया है, कि आपको कौन कौन से फीचर्स इसमें मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस अभी तक रिवील नहीं करे हैं कि टोयोटा ग्लांजा में टोयोटा इटियोस का इंजन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट फीचर्स टोटली रिवील हो चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेफ्टी से स्टार्ट करते हुए आपको इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स मिलेंगे, और इंडियन गवर्नमेंट ने अब वैसे भी रूल निकाल दिया कि हर एक गाड़ी अब डुअल एयरबैग्स के साथ ही आएगी। साथ ही में आपको ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट मिलेगा। एक्सीडेंट के टाइम, पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पर ये तीनों ही फीचर्स बहुत अच्छे से काम आते हैं, आपकी गाड़ी को स्किड करने से बचाते हैं, और एंड में लाइफ सेवर का काम करते हैं बहुत बार। उसके बाद आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलेंगी। बेसिकली सीट बेल्ट्स फिक्स्ड होती हैं, बट इसमें हाइट एडजस्टेबल का मतलब ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा बैठता है तो आपने नोट करा होगा, अगर फिक्स सीट बेल्ट है, आप जब उस सीट बेल्ट को लगाते हैं तो वो सीट बेल्ट बच्चे की चेस्ट पर नहीं आती, उसके मुँह पर ज़्यादा आती है। अगर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट रहेगी, जैसे कि टोयोटा ग्लांजा में आपको मिलने वाली है, तो आप उस सीट बेल्ट की हाइट नीचे कर सकते हैं, उसके बाद आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो बच्चे की चेस्ट पर ही आएगी, उसके मुँह पर नहीं आएगी। उसके बाद सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिलता है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। ये बहुत अच्छा फीचर है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक टेंटी टेंटी गाड़ी में बचती रहेगी, और जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेंगे वो टीटी बजना बंद हो जाएगी, और उस टाइम तक आप सीट बेल्ट लगाकर सेफ हो चुके हैं। उसके बाद इसमें आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी में साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी। उसका यही मतलब है कि आप बेसिकली गाड़ी की स्पीड को कम कर लें। उसके बाद आपको इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग कैमरा दोनों ही मिलते हैं गाड़ी को इजीली पार्क करने के लिए। साथ ही में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट मिलते हैं। अगर आपके घर में बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो प्रैम में चलते हैं, मतलब बेसिकली 1-1.5-2 साल से छोटे बच्चे, जिसको आप नॉर्मली सीट पर बिठा नहीं सकते, सीट बेल्ट नहीं लगा सकते, तो उनको आप गाड़ी में कैसे बिठाएं, उसके लिए होती है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट। बहुत ईजिली अपने छोटे से बेबी को चाइल्ड सीट माउंट पर आराम से बिठा सकते हैं, और वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। साथ ही में आपको रियर डिफॉगर और वाइपर भी मिलता है, तो अगर आप मुंबई या बैंगलोर रहते हैं तो आपको ये फीचर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसी के साथ आपको फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, तो अंधेरे में जाने से पहले आपको दो बार सोचना नहीं पड़ेगा। साथ ही में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है LED प्रोजेक्टर लैंप्स विद फ्रंट फॉग लैंप्स। और LED प्रोजेक्टर लैंप्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको व्हाइट लाइट ही मिलेगी, येलो लाइट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बलिनों में भी देखा जाए तो LED प्रोजेक्टर लैंप्स के साथ आपको व्हाइट लाइट मिलती है, येलो लाइट नहीं मिलती, और ट्रेंड के हिसाब से भी देखा जाए तो व्हाइट लाइट्स ही चल रही हैं, येलो लाइट्स नहीं चल रही। साथ ही में इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो आपको इसमें 7-इंच स्मार्ट प्ले कास्ट टच स्क्रीन मिलती है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ। तो अगर चाहे आपका मोबाइल एंड्रॉयड हो या एप्पल का हो, आपको मोबाइल कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, और एक बार आपको मोबाइल कनेक्ट हो गया तो कोई भी मोबाइल की ऐप आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम की बात करी जाए तो आपको 6 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, और जिस भी गाड़ी में ट्विटर्स दे दिए जाएँ वहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत औसम होने वाली है। अगर आप बहुत हैवी बेस सुनते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो ही आपको बेस ट्यूब या फिर बाहर से वूफर लगवाने की जरूरत पड़ेगी। और उन्हीं साउंड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल से ना ही आप अपने ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही में आप कॉल उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और ऐसे फीचर्स भी आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल में मिलते हैं। उसी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs मिलते हैं, मतलब आप एक सिंगल बटन दबाकर आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स खोल सकते हैं, और बटन क्लिक कर कर ही उसमें जो शीशा है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। गाड़ी की लुक को बाहर से एनहेंस करने के लिए आपको इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। 15 इंच के व्हील्स आजकल गाड़ियों में छोटे लगने लग गए हैं। एक प्रीमियम फीचर भी आपको मिलता है जो कि कीलेस एंट्री, डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, उस पर आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। और मैनुअल AC नहीं मिलता आपको इसमें, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। बेसिकली गाड़ी में बैठ के आप टेम्परेचर सेट कर दीजिए, जैसे आपने 21 टेम्परेचर सेट कर दिया तो गाड़ी का टेम्परेचर 21 पर आ जाएगा और 21 पर ही मेंटेन रहेगा। साथ ही में स्टेयरिंग व्हील की बात करी जाए तो आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्ट मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप स्टेयरिंग व्हील को ऊपर और नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं और आगे और पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और गाड़ी आपको चाबी घुमा के स्टार्ट नहीं करनी, आप एक बटन दबाकर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ जो हेडरेस्ट हैं वो पूरी तरह एडजस्टेबल हैं, चाहे फ्रंट सीट्स की बात करी जाए चाहे रियर सीट्स की बात करी जाए। और साथ ही में ड्राइवर सीट भी हाइट एडजस्टेबल है, और ड्राइवर के कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए आपको फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए
तो ड्राइवर को फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है और साथ ही में वो अपना हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकता है, हाइट सीट एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद अपनी हाइट के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर सकता है ऊपर और नीचे, आगे और पीछे किसी भी तरीके से। तो ड्राइवर के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। साथ ही में आपको 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स मिलती है, मतलब अगर आपको कुछ लगेज लाना है जो कि बहुत बड़ा नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पीछे वाली पूरी ही सीट नीचे करनी पड़ेगी, आप 40% या 60% सीट को नीचे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और उसके बाद आप उस साथ में उस सामान को रख सकते हैं और एक और तीसरा बंदा उस सामान के साथ में बैठ सकता है। उसके बाद हम वापस हेडलैम्प्स पे चलें तो आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, यानी कि जैसे ही आप किसी अंधेरे वाली टनल में घुसेंगे या फिर शाम हो जाएगी तो अपने आप ही हेडलैम्प्स जल जाएंगे, आप मैनुअली उन्हें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में आपको LED DRLs भी मिलते हैं, LED DRLs और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते। और साथ ही में आपको फीचर मिलता है हेडलैम्प में फॉलो मी होम का, बेसिकली जैसे ही आपने गाड़ी पार्क करी किसी अंधेरे वाली जगह में गाड़ी पार्क करी और आपने ये फीचर एक्टिवेट कर दिया तो गाड़ी के हेडलैम्प 15-20-25 सेकंड तक जलते रहेंगे और वो 15-20-25 सेकंड बेसिकली आपको टाइम देते हैं कि आप उस अंधेरे वाली जगह से या पार्किंग से निकल के सेफली लाइट वाले एरिया में आ जाएं। और रियर लाइट की बात कर लीजिए तो आपको इसमें प्रीमियम LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प मिलता है, एक बार जब गाड़ी शोरूम में आ जाएगी तभी पता चलेगा कि इसमें प्रीमियम LED क्या है। और इंटीरियर में बात कर लीजिए तो आपको इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि इस गाड़ी को चलाने की फील को बढ़ा देगा। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस टॉप मॉडल में वो ये है कि आपको इसमें नॉर्मल ग्लास नहीं मिलता, UV कट ग्लास मिलता है और इस कट ग्लास की वजह से ज़्यादा UV रेस गाड़ी के अंदर नहीं एंटर कर पाती, जिससे कि आपकी स्किन सेफ रहती है और साथ में इंटीरियर्स भी सेफ रहते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी गाड़ियों में सुना होगा कि अगर गाड़ियां धूप में खड़ी रहती हैं तो उसके इंटीरियर्स और लेदर अपहोल्स्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो थोड़ा सा लेदर अपहोल्स्ट्री थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और इंटीरियर का जो कलर होता है वो थोड़ा सा उड़ना स्टार्ट हो जाता है और क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं रहती इंटीरियर्स की। बट इस यूवी कट ग्लास की वजह से ना ही सिर्फ आपकी स्किन सेफ रहेगी साथ ही में गाड़ी के इंटीरियर्स भी सेफ रहेंगे। और अगर आपको बेस मॉडल वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों साथ शेयर करें और हो सके तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए चाहिए होती है मोटिवेशन, जो कि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलती है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता तो दोबारा सोचेगा मत। वीडियो देखने के धन्यवाद। जयराम जी।